हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेकीज 8.2 शमरी का शो। कैसे हैं आप? कल यानी 6 दिसंबर को इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा तहलका हो गया है। हुआ कुछ यूँ, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया, इन तीनों कंपनीज ने मिलके रिलायंस जियो के साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया और रिलायंस जियो बहुत तगड़ा करके बेवकूफ़ यहाँ पे बन चुका है। तो हुआ कुछ यूँ कि 6 दिसंबर को जियो ने अपने नए प्लान्स लॉन्च कर दिए और उससे पहले जियो के पुराने प्लान्स वर्क कर रहे थे। इस सिनेरियो में कुछ लोगों ने एडवांस रिचार्जेस भी करवा के रखे हुए थे। तो इन तीनों कंपनीज ने यानी एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया ने ऐसा क्या किया वो मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही मैं आपको जो इनके नए प्लान्स अब आए हैं उनके बारे में भी कुछ चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ऐसे में इन तीनों कंपनीज की देखा देखी जियो ने भी अपने नए प्लान्स लॉन्च किए थे जो 6 दिसंबर से लागू होने थे। जैसा कि आपको पता होगा, आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल पे कुछ जुर्माना लगा था, बीएसएनएल पे भी लगा था और जियो पे भी लगा था, जिसके चलते इन तीनों कंपनीज ने अपने नए प्लान्स लॉन्च किए थे जिसमें 0.6 पैसे पर मिनट वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें कुछ मिनट्स दिए गए थे, 3000, 1000 इस टाइप से। मैं यहाँ बात ऑल इन वन प्लान्स की कर रहा हूँ, लेकिन जियो के अपने नए प्लान्स लॉन्च करते के साथ ही इन तीनों कंपनीज ने अपनी मिनट्स की लिमिट्स हटा दी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, अब हमें इन तीनों कंपनीज के किसी भी प्लान में किसी भी तरीके की लिमिट नहीं मिलेगी मिनट्स के लिए। हम अनलिमिटेड बात कर सकते हैं, जिसको उन्होंने ट्रूली अनलिमिटेड बताया है। तो इस ट्रूली अनलिमिटेड के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, और मैंने इसी वीडियो में इन्हीं कंपनीज के जो 6 दिसंबर को नए प्लान्स लॉन्च हुए, जी हाँ, इन तीनों कंपनीज ने 6 दिसंबर को ही अपने भी तीनों नए प्लान्स लॉन्च किए हैं। तो उन प्लान्स को मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है, तो जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे आपको वो प्लान्स मिल जाएंगे। और आप मुझे अब ट्विटर पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद हैं, आपको चैनल पसंद है, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा नीचे कमेंट करो, बताओ मेरे को आपको कौन सा प्लान पसंद है, कौन सी कैटेगरी में पसंद है। तो अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ हम सबसे पहले रिलायंस जियो के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर आ चुके हैं। यहाँ पे जैसा आप जानते हैं कि 6 दिसंबर को जियो ने जो नए प्लान्स लॉन्च किए थे उसके बारे में उन्होंने कुछ डिटेल्स डाली हुई हैं, और ये कुछ जियो ने अपनी वेबसाइट पे जो नए प्लान से वो भी डाल दिए हैं, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पे प्लान्स में अनलिमिटेड लिखा हुआ है। जी हाँ, अनलिमिटेड लिखा है यहाँ पे, आप इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी ट्रूली अनलिमिटेड नहीं लिखा है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जियो टू जियो कॉल ही आपकी टोटली फ्री हैं, उसके अलावा जो आपकी नॉन जियो वॉइस कॉल्स हैं उसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ये था जियो के लिए। अब मैं आपको एयरटेल इंडिया के ट्विटर हैंडल पे ले चलता हूँ। तो हम एयरटेल इंडिया के ट्विटर हैंडल पे आ चुके हैं, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। से हेलो टू आर ऑल न्यू कस्टमर्स, ट्रूली अनलिमिटेड प्रीपेड प्लान्स। ट्रूली अनलिमिटेड पे आप गौर करें, यहाँ पे आप कॉलिंग सेक्शन में जाएंगे तो आपको दिखेगा अनलिमिटेड कॉल्स ऑन एनी नेटवर्क इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, एनी नेटवर्क इन इंडिया। यहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिखा कि एयरटेल टू एयरटेल फ्री है या कुछ है। मैं आपको वोडाफोन पे भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे ट्रूली अनलिमिटेड का यहाँ पे इन्होंने पोस्टर लगाया हुआ है। आइडिया में भी ऐसे ही किया हुआ है, और ये सारी न्यूज़ जो हैं केवल 22 घंटे पुरानी हैं। आज मैं 7 दिसंबर को ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और ये न्यूज़ 6 दिसंबर की हैं। मतलब इन्होंने बिल्कुल रात के टाइम ये चीज़ लगभग 8 बजे करीब, मतलब जियो के प्लान लॉन्च करते के साथ ही, नए प्लान्स जैसे जियो ने लॉन्च किए उसके साथ ही इन लोगों ने ये कांड कर दिया। तो अब हम चलते हैं प्लान्स की ओर। तो दोस्तों अब आ जाते हैं हम प्लान्स के ऊपर। ये मैंने पहले से इसको टेबलर फॉर्म में आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है ताकि आप लोगों को आसानी हो। ये चीज़ आपको मेरे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पे भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले मंथली प्लान्स पे आते हैं। यहाँ पे जियो की बात करें तो जियो ने इसमें 2000 मिनट्स दिए हुए हैं और 3000 मिनट्स दिए हुए हैं, 249 और 349 का पैक है। अनलिमिटेड जियो जियो कॉल है, बाकी कॉलों के लिए पैसा जाएगा यानी मिनट्स आपके लगेंगे। अब एयरटेल ने अपना एक प्लान बनाया है 248 वाला, जिसमें एयरटेल ने अपने पुराने दो प्लान बनाए हैं और एक ही पुराना प्लान है 298 वाला। ये भी पुराना प्लान है जिसमें 50 रुपये का उन्होंने हाइक दिया हुआ है। अब आप अगर गौर से देखिए, इसमें ट्रूली अनलिमिटेड लिखा हुआ है, यानी किसी भी नेटवर्क पे कोई पैसा नहीं लगेगा, कुछ भी कर लो, ट्रूली अनलिमिटेड है। अगर आप 50 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके 0.5 GB चाह रहे हो तो आप दे सकते हो। तो हालांकि मैं इसमें कुछ समझदारी कहता नहीं, अगर आपको ज़्यादा नेट चलाना है तभी लो, हालांकि इससे ज़्यादा किसका खर्च होता है यार। अब आइडिया, वोडाफोन पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी आपको 1.5 GB मिल रहा है। एयरटेल में भी आपको सेम प्राइस में 1.5 GB मिल रहा है, ट्रूली अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि आपको जिसका नेटवर्क ज़्यादा अच्छा मिलता हो आप वो वाला सिम यूज़ करो,
और यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा नेट यूज़ करते हो और कॉल भी करते हो तो एयरटेल किस प्लान से आप कंपेयर कर सकते हो। यहाँ आपको 100 रुपये ज़्यादा देने पे 3 GB मिल रहा है, वहाँ पे आपको सिर्फ 2 GB मिल रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आपको वैलिडिटी ज़्यादा चाहिए तो आप वो वाला प्लान यूज़ कर सकते हो। बस ये वाला प्लान जो है वो आपका 56 डेज़ के लिए है, वो वाला 28 डेज़ के लिए है। अब BSNL के प्लान भी डिस्कस कर लेते हैं। BSNL के सारे प्लान्स यूपी वेस्ट के लिए हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ पे आपको 250 रुपये पर मिनट वॉइस कॉल मिल रहा है। जी हाँ, रोज़ के आपको 250 मिनट मिलेंगे जितनी दिन की प्लान की वैलिडिटी होगी। तो इसमें आपको 118 रुपये का प्लान है, 1.5 GB का डेटा मिल रहा है। मैं पहले बता दूँ, 1.5 GB का डेटा नहीं है, दिल्ली मुंबई के लिए एप्लीकेबल होगा। और ये 28 दिन का प्लान है। और यहाँ पे 187 का भी BSNL ने प्लान बनाया है, बिल्कुल ऊपर वाला प्लान है, सब कुछ वही है, बस आपको इसमें डेटा ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ पे 3 GB का डेटा है, दिल्ली मुंबई इंक्लूडेड है। फिर एक बार बता रहा हूँ, कहीं आप सोचो कि दिल्ली मुंबई से हमें वास्ता तोड़ना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। अब 3 मंथ वाले प्लान पे आ जाते हैं, 3 मंथ वाले प्लान पे। तो यहाँ पे एक 598 का है। चलो जियो पे आते हैं पहले। जियो में जैसा आपको बताइए, मिनट्स का चक्कर रहेगा, 600 रुपये का प्लान है, 3000 मिनट्स यहाँ पे मिल रहे हैं आपको, 2 GB डेटा मिल रहा है 84 डेज़ के लिए। अब आ जाते हैं एयरटेल पे, ये 84 दिन के हैं दोनों प्लान हमारे पास। ये भी 600 रुपये का प्लान है, दूसरा 700 रुपये का प्लान। ट्रूली अनलिमिटेड मिल रहा है, 1.5 GB का डेटा और 2 GB का डेटा। ये मैं अपने फेसबुक और इंस्टा और ट्विटर पर डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आइडिया वोडाफोन में, मैं आपको दिखा देता हूँ। 379 का 3 मंथ्स प्लान है, 84 डेज़ के लिए है। इसमें 6 GB डेटा मिल रहा है, और 6 GB ही मिल रहा है 84 डेज़ के लिए, 6 GB डेटा सिर्फ। अगर आपका ज़्यादा नेट से कोई मतलब नहीं है तो आप ये डलवा सकते हो। अगर आपको खाली बात करनी होती है, नेट का बहुत कम काम होता है, तभी ये वाला प्लान डलवाना, वरना मत डलवाना। नेशनल कॉल वगैरह बाकी सब कुछ और प्लानों की जैसा ही है, डेटा सिर्फ 6 GB है, पहले मैंने आपको बता दिया है। दूसरा एक प्लान है, वो 700 रुपये का है। इसमें आपको 2 GB पर डे मिलेगा, ये भी 84 डेज़ के लिए वैलिड है। ये ट्रूली अनलिमिटेड का कॉन्सेप्ट मैंने अच्छा निकाला है यार, मतलब नाम सुनने में अच्छा लगता है, ट्रूली अनलिमिटेड। पता नहीं अब तक क्या चीज़ लिमिट कर रही थी हमें। तो इसको आप एयरटेल के 700 रुपये वाले प्लान से अगर आप कंपेयर करें तो बिल्कुल सेम प्लान है, कुछ फ़र्क नहीं है। यहाँ पे 600 रुपये वाला प्लान है, ये भी पुराना प्लान है, इसमें 50 रुपये की हाइक दी गई है, और ये भी बिल्कुल सेम एयरटेल के प्लान की तरह है, ट्रूली अनलिमिटेड। वही दोनों प्लान सेम है, 50 रुपये की हाइक दे दी इन लोगों ने, ट्रूली अनलिमिटेड कर दिया, बाकी प्लान पूरा का पूरा सेम है। आप देख लो, हालांकि मैं इसमें राय दूंगा, अगर आप ज़्यादा नेट नहीं चलाते हो तो आप 600 रुपये वाला डलवा लो, क्योंकि यार 0.5 GB डेटा के लिए आप 100 रुपये दोगे, मुझे कुछ समझदारी तो लगती नहीं है ये। बाकी आप देख लो, आपकी चॉइस है, जैसा भी आपका पड़ता हो। तो हम BSNL भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। इसके बाद BSNL में 400 रुपये का प्लान है, 250 मिनट रोज़ मिल रहे हैं आप लोगों को। इसमें दिल्ली मुंबई इंक्लूडेड है, 2 GB डेटा रोज़ का मिल रहा है, PRBT टोन भी आपको मिलेगी यहाँ पे, दिल्ली मुंबई इंक्लूडेड, 2 GB डेटा, PRBT टोन। ये 74 डेज़ के लिए प्लान है, 84 डेज़ के लिए नहीं है। 74 डेज़ मैं पहले ही बता देता हूँ, बाद में कहो कि पता नहीं शर्मा जी ने 84 डेज़ बताया था, 74 डेज़ का प्लान निकला। जो 348 का प्लान है दूसरा, ये भी बिल्कुल सेम प्लान है, एग्जैक्ट कार्बन कॉपी है, बस इसमें दिल्ली मुंबई एक्सक्लूडेड है। 250 मिनट मिलेंगे किसी भी नेटवर्क पे एक्सक्लूडिंग दिल्ली मुंबई, मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ आप लोगों को, फिर बता रहा हूँ, आप बाद में मुझे से मत कहना। बस इसमें 50 रुपये का फ़र्क है, 2 GB डेटा आपको मिलेगा, उसमें भी 2 GB डेटा आपको मिल रहा है। PRBT टोन 74 डेज़ के लिए ही है, 84 डेज़ के लिए नहीं है, दोबारा बता दिया है। जियो प्राइम मेंबर्स के लिए कुछ बताना चाहता हूँ। जियो ने अपनी नई अपडेट में, यानी नए प्लान्स में, प्राइम यूजर्स के लिए कुछ फैसिलिटीज़ दी हैं, उनके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे जियो ने 600+ शोज़ दिए हैं जियो टीवी पे, जिसमें 100 HD चैनल्स हैं, 100 से ज़्यादा ही HD चैनल्स हैं। नॉर्टन की सिक्योरिटी दी है, 5 GB का इनकी क्लाउड स्टोरेज पे आपको स्पेस मिला हुआ। तो अब आ जाते हैं ईयरली प्लान्स। ये जियो का प्लान है, ये अनलिमिटेड कॉल, वही जियो टू जियो, इसके अलावा आपको मिनट्स मिलेंगे। तो आइए एयरटेल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 2400 का प्लान है, जिसमें 700 रुपये की हाइक दी गई है, क्योंकि पुराना प्लान था, ट्रूली अनलिमिटेड कर दिया है, और 1.5 GB डेटा आपको पर डे मिलेगा। सेम प्लान आइडिया में भी है, ये भी पुराना प्लान था, इसमें 700 रुपये की हाइक कर दी थी, 1.5 GB का डेटा है।